नमस्कार दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया का शेयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है बैंक सेक्टर का। और दोस्तों 103 रुपए पर स्टॉक का प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 103 रुपए 55 पैसा और 0.60 पैसे की गिरावट यहाँ पर वनडे देखने को मिली है। 0.58% के स्टॉक में गिरावट वनडे देखने को मिली है, भारी गिरावट यहाँ पर स्टॉक की देखने को मिली है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर भारी गिरावट के साथ स्टॉक का जो लोअर साइड की ज्यादा देखने को मिल रहा है दोस्तों। बैंक सेक्टर का यहाँ पर शेयर है बैंक ऑफ इंडिया। बात करते हैं यहाँ पर सप्ताह के हिसाब से, तो इस सप्ताह का 0.77% की स्टॉक में गिरावट है दोस्तों, और 0.80 पैसे की गिरावट के साथ स्टॉक देखने को मिल रहा है दोस्तों। मंथली की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एक महीने का प्रॉफिट देखने को मिला, 16% का रिटर्न। तो दोस्तों यहाँ पर गिरावट की संभावना बन सकती है और भी नीचे आने की संभावना स्टॉक बना सकता है। स्टॉक का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, 102 103 रुपए तक बन सकता है दोस्तों। यानी कि जो स्टॉक का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो 102 रुपए पर बनता हुआ देखने को यहाँ पर बन रहा है दोस्तों। यहाँ पर स्टॉक का सपोर्ट बन सकता है, उसके बाद 100 रुपए पर और 98 रुपए पर स्टॉक सपोर्ट बनाने की संभावना बना सकता है। एक महीने का 14 रुपए 6 पैसे का प्रॉफिट है, 16% का रिटर्न यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों। 1 ईयर की देखिए तो यहाँ पर 1 साल का रिटर्न के साथ तो 26% का रिटर्न है दोस्तों यहाँ पर, और 21 रुपए का प्रॉफिट है। 2023 में स्टॉक का प्राइस 72 रुपए देखने को मिल रहा था दोस्तों, 70-72 रुपए स्टॉक का प्राइस देखने को मिल रहा था। और यहाँ से बहुत अच्छे खासे मोमेंटम्स के साथ स्टॉक की अच्छी खासी पकड़ के साथ प्राइस क्लोजिंग 108 तक देखने को मिला दोस्तों। हाईएस्ट थोड़ी सी गिरावट की मोमेंटम स्टॉक की बन सकती है दोस्तों। स्टॉक अगर सपोर्ट देता है तो यहीं पे स्टॉक सपोर्ट देने की संभावना बन सकती है, अगर नीचे आता है तो फिर गिरावट की संभावना ज्यादा बन सकती है दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 5 ईयर के चार्ट, तो यहाँ पर 5 ईयर के चार्ट के हिसाब से भी थोड़ी सी गिरावट की संभावना स्टॉक में बन सकती है, संभावनाएं बन सकती है। 20% का रिटर्न 5 ईयर के चार्ट में देखने को मिल रहा है और 17 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम के साथ बात करें तो स्टॉक में भारी गिरावट के साथ स्टॉक यहाँ पर ऊपर उठता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों, यानी कि अपसाइड मोमेंटम के साथ देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो प्राइस है 2010 में 510 रुपए थी, और यहाँ से फिर ऑन द मूव स्टॉक की प्राइस गिरते हुए देखने को मिली है दोस्तों। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे खासे मोमेंटम के साथ स्टॉक यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। फिर 237% का रिटर्न है दोस्तों ऑल टाइम के साथ, और 72 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है दोस्तों। स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्टॉक इस बार अच्छा खासा मोमेंटम के साथ 2017 का लेवल पार करने की संभावना बना सकता है लॉन्ग टर्म में, जो कि स्टॉक का प्राइस है वो क्लोजिंग वहां पर 171 रुपए जाने की संभावना बना सकता है दोस्तों, धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों टू डेज लो देखने को मिला है 103 रुपए, टू डेज 105 रुपए, 52 सप्ताह का लो 67 रुपए देखने को मिल रहा है, 52 सप्ताह का हाई यहाँ पर 113 रुपए देखने को मिल रहा है दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाजार में निवेश करते हैं इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर बाजार में निवेश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।